जय हिंद बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का क्लास 12 रसायन शास्त्र अध्याय 12 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ रखा गया है क्योंकि दोनों में कार्बोनिल रेडिकल की सेम पाई जाती है। जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, इसीलिए दोनों को एक साथ रखा गया है। अभी एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनिल समूह से एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसा नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, इसमें एल्काइल ग्रुप नहीं होता, एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता है, मतलब कार्बोनिल समूह से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। तो यह एक अपवाद है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, अपवाद है, बाकी सभी एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है। कीटोन्स में दोनों एल्काइल ग्रुप जब कार्बोनिल समूह से जुड़े होते हैं तो उसे कीटोन कहते हैं। अगर इस R की वैल्यू आप CH3, ये CH3 यहाँ पुट करते हैं तो कार्बोनिल समूह से दो मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें, तब इसको हम एसीटोन बोलते हैं। तो इन हमको एल्डिहाइड और एसीटोन इन दोनों का अध्ययन करना है। IUPAC में एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्केनल, एल्केनल मतलब जब लास्ट में हम अल, लास्ट में जब प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो अल, एल्केनल, मिथेनल, इथेनल, जितने कार्बन परमाणु हैं उसी कार्बन की संख्या के आधार पर उस एल्डिहाइड का नाम होगा। जैसे इसमें एक कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे, मिथेनल। तो ये इसका IUPAC नाम है, जबकि कीटोन को एल्केनोन, नोन लास्ट में नोन लगेगा तो कीटोन को क्या बोलेंगे, एल्केनोन कहते हैं। अभी आया नेक्स्ट है समावयता, आइसोमेरिज्म, इसमें भी अल्कोहल के समान ही समावयता पाई जाती है। मुख्यतः तीन समावयता होती हैं, पहली है चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन और थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तीनों समावयता हम पिछले उसमें समझा चुके हैं, यहाँ भी सेम वही है। अब आता है बनाने की विधि, एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है एल्डिहाइड के बनाने की विधियाँ। पहली विधि है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से, एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण के लिए हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, कुछ भी हो वो हम अगर लेंगे तो अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देता है। तो ये लिया हमने RCH2H, ये कौन सा अल्कोहल है, 1° अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसमें से पानी का अणु बाहर निकल जाता है, RCH और ये O, RCHO एल्डिहाइड बन जाता है और पानी निकल जाता है। अब इस R की जगह, इस R की जगह अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं CH3 CH2OH और इसका आप ऑक्सीकरण करते हैं तो यह CH3 CHO प्लस H2O निकल जाता है। ये CH3 CHO इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, ये अगर ये 1° अल्कोहल लेते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन अगर आप 2° अल्कोहल लेते हैं तो हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं। 2° मतलब दो एल्काइल ग्रुप होते हैं RR CHOH, जब इसमें से हम पानी का एक अणु बाहर निकालते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ ज्वाइन हो जाता है RRC OO प्लस वाटर, इसको बोलते हैं कीटोन। तो इस तरह से अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। जब हमको एसीटोन बनाना है तो इस R की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, CH3 CH2
ओ एच, जब इसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और हमें एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है, प्लस H2O। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होता है। सेकंड है बीहाइड्रोजनीकरण ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हम बीहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ बीहाइड्रोजनीकरण का मतलब है अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालना। अल्कोहल को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कॉपर की नली में प्रभावित करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। देखिए RCH2O से हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया या प्राथमिक अल्कोहल लिया, इसमें से हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो RCHO plus H2 ये हमको एल्डिहाइड मिल गया। सेम वही R की वैल्यू आप पुट करते हैं CH3CH2OH, जब इसको गर्म करेंगे हम कॉपर की नली में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें मिलेगा एसीटल्डिहाइड CH3CH2 plus H2। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या ले लेंगे, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, जब इसको गर्म करेंगे कॉपर की नली में वही सेम टेम्परेचर रहेगा 300, तो इसमें से आप H2 निकालो तो एक H बचा HCHO, ये क्या बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2, ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो अल्कोहल के बीहाइड्रोजनीकरण से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेम थिंग अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिला और इसमें से हाइड्रोजन को हटा दो तो RRC डबल बॉन्ड O, ये हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये सेकंड विधि हुई अल्कोहल के बीहाइड्रोजनीकरण से। नेक्स्ट है बसी लवणों से। जब हम बसी लवणों को गर्म करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फर्स्ट है, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट को जब उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभी देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ये कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला है, इससे CaCO3 Ca और ये बन गया CO3, क्या बचा HCHO, ये HCHO मिला प्लस CaCO3, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट में ये Ca और ये CO3, यहाँ भी सेम निकालना है और ये बचा क्या CH3CH3COO, मैंने ये लिख दिया CH3CH3COO प्लस CaCO3, ये बन गया आपका एसीटोन। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेट लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो एसीटोन मिलेगा। लेकिन एसीटल्डिहाइड कैसे बनेगा, दोनों को मिक्स कर दो, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट, जब दोनों को मिला देंगे CH3 कैल्शियम एसीटेट, ये लिखा था CH3COO, यहाँ से भी आप CaCO3 निकालो, ये CaCO3 सेम, यहाँ से भी CaCO3, टू मॉलिक्यूल्स हैं तो CH3CHO, दो मॉलिक्यूल्स CH3CHO प्लस ट्वाइस CaCO3 निकल जाता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट को मिला के गर्म करेंगे तो हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे पूछ सकते हैं क्या होगा जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे या क्या होगा जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे। ऐसा भी होता है कि बसी लवणों से एसीटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे या जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेट, जब कैल्शियम फॉर्मेट लें तो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसीटेट लें
तो एसीटोन, जब दोनों को मिलाएंगे तो हमें एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। रोजन मुंडव क्रिया, इसमें क्या है, अल्काइल क्लोराइड का अपचयन करते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट हम दोनों का उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक विष जो हमारी अभिक्रिया को कंट्रोल कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। RCOCl+2H इसको पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसके साथ इसे हम जब गर्म करते हैं तो ये H यहाँ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCHO+1H यहाँ ज्वाइन कर दो तो HCl। ठीक है, मतलब अल्काइल क्लोराइड का ऑप्शन होता है और इसको एक जाइलिन की प्लेट में रख के गर्म करते हैं। यहाँ ये उत्प्रेरक विष की तरह कार्य कर रहा है, अगर ये नहीं लोगे तो ये अभिक्रिया आगे शिफ्ट हो जाएगी और ये ऑक्सीडाइज होके RCOOH मतलब अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एल्डिहाइड ही बना रहे इसीलिए हम इसमें पैलेडियम बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। R की वैल्यू आप CH3CO Cl+2H=2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये बनता है CH3CHO+HCl, ये बन गया हमारा एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो रोजन मुंड अभिक्रिया से ये स्पेशल रिएक्शंस है जिससे हम एल्डिहाइड बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टीफन अभिक्रिया, ये नेम अभिक्रिया भी है, जैसे पहले रोजन मुंड थी, अभी क्या है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में क्या रहता है, अल्काइल साइनाइड को, ये है अल्काइल साइनाइड को SnCl2 के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ एक RCH, ये इसके H यहाँ ज्वाइन होते हैं, RCH एंड NH मतलब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में जब हम पानी डालते हैं तो ये पानी का ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन करता है और बनाता है एल्डिहाइड प्लस NH और ये 2H, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया। इस तरह से हमें ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगर इस R की वैल्यू हम CH3 पुट करते हैं तो CH3C(NN+SnCl2+HCl), तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CHO+अमोनिया। तो इस तरह से हमें ये एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अल्काइल साइनाइड का हमने यहाँ रिड्यूस कर दिया, अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कर दिया तो हमें एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ क्या लिया हमने, टॉलिन C6H5CH3 को बोलते हैं टॉलिन। जब टॉलिन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स अणु मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स अणु में जब हम पानी डालते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, इसे ही इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इटार्ड एक नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसको हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिया, टॉलियन को क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेम ऐसा ही है गैटरमान कोच सिंथेसिस, गैटरमान अभिक्रिया के द्वारा भी हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब इसमें क्या है, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में, यहाँ HCl कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ एज ए कैटलिस्ट उत्प्रेरक की तरह यूज होता है, तो बेंजल्डिहाइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये यहाँ अटैच हो जाता है। तो H तो ऑलरेडी है, तो C6H5CHO और हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल ऑफ क्राफ्ट अभिक्रिया में हम बेंजीन की क्रिया एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं
एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये यहाँ COCS3 और यहाँ का एच और Cl बाहर निकल जाता है, तो क्या होगा C6H5COCS3 प्लस HCl, HCl बाहर निकल जाता है और एसिटोफिनॉन मतलब कीटोन मिल गया, एसिटोफिनॉन हमें प्राप्त होता है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एटार्ड भी और गैटरमैन भी, फ्रीलक्राफ्ट अल्कोहल में भी लास्ट में भी आई थी, तो ये रिएक्शन तीनों नेम रिएक्शन है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। एल्डिहाइड के भौतिक गुण, भौतिक गुण में फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस की तरह कार्य करता है और इसकी स्मेल पंजेंट तीक्ष्ण होती है, सामान्य ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है गैस है, और कीटोन्स के जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं, लोअर मॉलिकुलर मास वाले जो कीटोन्स होते हैं उनका प्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब इनके सूंघना अच्छा लगता है, और ये हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे होते हैं कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता और इनकी स्मेल स्वीट होती है। बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट अपने बाकी एल्डिहाइडों से, जो हायर क्लास के जो एल्डिहाइड हैं उनसे अधिक होता है। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ये पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और आपस में अणु जुड़ जाते हैं, जिससे इनका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है। एल्डिहाइडों का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो भी है वो उच्च है, लेकिन अगर आप अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो उनसे कम होता है। सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ये भी एल्डिहाइड भी पानी में विलेय होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बना लेते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब आता है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन्स पर जब हम HCN की क्रिया करते हैं तो यह एक योगात्मक यौगिक बनाता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा C डबल बॉन्ड। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ RH कर दो और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और एक इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बन जाएगा योगात्मक यौगिक, और यहाँ OH और ये है CnRH, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, मतलब एल्डिहाइड से सभी कुछ जुड़ जाएगा, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। सेम H2 का योग, अगर आप कीटोन लेते हैं इसी में, अगर आप कीटोन लेते हैं तो यहाँ पर आप R और इस H की जगह R लेंगे और सेम रिएक्शन यही होगी HCN, तो यहाँ पर ये दोनों तरफ R होगा, इसको क्या बोलेंगे साइनो कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन पर जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करते हैं तो हमें योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। अगर सोडियम बाय सल्फाइड का योग लेते हैं तो सेम रिएक्शन वही होगी, आप ये C डबल बॉन्ड O और ये मैंने ऐसा छोड़ दिया, आप अगर एल्डिहाइड पूछा है तो RH कर दो, अगर कीटोन पूछा है तो RR प्लस सोडियम बाय सल्फाइड, इसका फॉर्मूला है NaHSO3, ये H यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलेंगे OHSO3Na। नेक्स्ट है सोडियम बाय सल्फाइड का योग, एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड, यहाँ मैंने यही लिया एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही ले लिए प्लस NaHSO3, ये H यहाँ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा COHSO3Na। अगर ये रिएक्शन एल्डिहाइड में पूछे जाए तो आप क्या लिख देंगे RH, अगर ये कीटोन में तो यहाँ भी R रख देना, तो यहाँ भी सेम मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन कर दी, कीटोन में भी सेम होगी, ठीक है। एडिशन ऑफ एल्कोहल ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है हाउ विल यू फॉर्म एसीटल, आप एसीटल एल्डिहाइड से एसीटल कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप एल्डिहाइड पर अल्कोहल की क्रिया करा देंगे, जब एल्डिहाइड पर अल्कोहल की क्रिया करा देते हैं तो RCHOR और OH एक इसे बोलते हैं हेमी एसीटल, इसमें एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हेमी एसीटल, जब दोबारा इसको ROH से क्रिया कराते हैं तो यहाँ भी ये हटके OR लग जाता है,
तो इसको बोलते हैं एसिटल। मतलब अल्कोहल के दो अणु जब एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं तो हमें एसिटल प्राप्त होता है। तो हाउ विल यू फॉर्म या एसिटल कैसे बनाओगे? अल्कोहल पे रिएक्शन किसे कराना है? एल्डिहाइड पे। ये एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड से हम एसिटल बना सकते हैं। अभी है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH, इस NH2OH का हम H2O निकाल देंगे और ये देखिए ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो क्या बनेगा? HC, इसका ये H और ये NOH, तो क्या बनेगा? ऑक्सीम। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड ऑक्सीम, शॉर्ट में आप बोल देंगे ऑक्सीम। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीम बनता है। तो सिर्फ यहाँ पानी का अणु बाहर निकल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है हाइड्रोजीन, NH2NH2। जब NH2NH2 क्रिया आप एल्डिहाइड पर कराएंगे, अभी ले लेते हैं CH3CHO प्लस NH2NH2। ये देखिए पानी का अणु यहाँ से निकल जाएगा और ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा तो क्या बना यहाँ से? CH3CH और ये N डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजोन, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन लिया तो हाइड्रोजीन के नाम के आधार पर ये हो जाएगा हाइड्रोजोन, ठीक है। सेम ऐसा ही है फेनिल हाइड्रोजीन। जब एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजीन से क्रिया करता है CH3CHO, इसका नाम है C6H5 को बोलते हैं फेनिल, ठीक है। और ये तो था ये हाइड्रोजीन तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। जब एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो ये H2O निकाल दो, यहाँ से CH3CH और यहाँ से C6H5NHN पूरा ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा CH3CH। ये ले लो आप NHNH2 है, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NHC6H5। मतलब सारी रिएक्शन में जितनी तीनों रिएक्शंस हो रही हैं आपको सिर्फ पानी का अणु निकालना है, बाकी जो भी है उसको एक साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये बोलेंगे एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। ये सारी अभिक्रियाएँ कौन सी हैं? न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है, यह है गठिया रोग की औषधि होती है। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा ये एसिटल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करेगा तो एक योगात्मक यौगिक बनाता है, लेकिन जब ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन। ये बहुत बड़ी इसकी औषधि बनती है गठिया रोग की, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अमोनिया से ये हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जब अमोनिया से क्रिया करता है तो ये H2O निकल जाएगा, हाँ, और क्या बन गया? CH3CHNH एसिटिल अमीन। युगात्मक यौगिक है, कोई स्पेशल बात नहीं है और पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ही यही अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है SCHO प्लस HCHO, दो लिख दें, ठीक है। SCHO क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लिए। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो बनता है CH2 होल 6N4 प्लस 6H2O, इसी को बोलते हैं हेक्सा। CH2 को बोलते हैं मिथिलीन, हेक्सा मिथिलीन टेट्रा अमीन, और इसको जनरल नॉलेज उसमें बोलते हैं, जन सामान्य भाषा में यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो यूरोट्रोपिन एक मेडिसन है जो गठिया रोग की औषधि है, और इसका कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो CH2 होल 6 है, एक तो आप N को बीच में रख लो, हाँ, और फिर आप CH2 N CH2 N CH2 N, तो 6 थे CH2
आप यहाँ भी लगा दो CH2। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। कभी कभी पूछ लेते हैं यूरोट्रोपिन की संरचना बनाइए, तो यूरोट्रोपिन संरचना भी बेंजीन के समान होती है और इस बीच में नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ NCH2 मैंने कैसे रखे अल्टरनेट में। तो हेक्सा इसका नाम है IUPAC में। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। CH2 को क्या बोलते हैं? मिथिलीन। हेक्सा मिथिलीन और N4 टेट्रा अमीन, ये इसका IUPAC नाम है, हेक्सा मिथिलीन टेट्रा अमीन। ठीक है, तो ये स्पेशल इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन। ये गठिया रोगी की औषधि है, इससे गठिया रोग ठीक हो जाता है। गठिया रोग में हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो अकड़ जाती हैं, ठीक है, ऑस्टियोमालासिस भी बोलते हैं इसको, उसकी औषधि के काम में ये उपयोग होता है। तो इस वाले पार्ट में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़े। आशा है कि आपको सभी समझ आए होंगे। रासायनिक गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारा यूरोट्रोपिन है, और एल्डिहाइड के बनाने की विधियों में बसी अम्लों से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अवक्रिया हैं, इनको दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा। थैंक यू।